नमस्कार, लेट्स कुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट। बचे हुए चावल से कटलेट बना रहे हैं। चलिए कटलेट बनाना शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए हमने ये चावल ले लिए हैं और ये सूजी लिए हैं। इसी कटोरा से हमने 2 कटोरा चावल लिए हैं। ये सूजी इसमें हम डाल दे रहे हैं। ये हम मिर्ची लिए हैं, 4-3-4 मिर्ची हमने काट लिए हैं। एक प्याज लिए हैं, इसको भी हम धुल के अच्छी तरह साफ करके काट लिए। इन सबको भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये हम आलू लिए हैं, आलू को हम कद्दूकस कर लिए हैं। आप चाहें तो आलू उबाल के भी ले सकते हैं। आलू कद्दूकस किए हैं तो इसको हम पानी में रखे हैं। अगर आप पानी में नहीं रखिएगा तो आलू पे आलू जो है ना, ये काला हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको पानी में रखे हैं। ये साफ है, इसको हम पानी से निकाल के इसमें चावल में डाल दे रहे हैं। चावल में डाल दे रहे हैं पानी से निकाल के। अब हम इसमें मिर्ची डाल रहे हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा ना पसंद हो तो आप कम डाल लिए। हम 1/2 टीस्पून मिर्ची या लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें हरा मिर्च भी डाले हैं। नमक डाल दे रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार से नमक डाल सकते हैं। चाट मसाला डालेंगे हम, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसमें एक नींबू डाल रहे हैं, मतलब आधा नींबू डालेंगे, एक नहीं डालेंगे। आप चाहे तो नींबू नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू डालने से ये होता है ना, टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, आपका कटलेट अच्छा लगेगा। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। इसमें हम थोड़ा 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। आप इस तरह से कटलेट बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये बचे हुए चावल से आप बना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। जैसे चावल बच गया थोड़ा सा, आप अगर आलू उबाला हुआ आपके पास बच गया है तो आलू उबाला हुआ आलू आप इसमें कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हम इसमें कच्चा आलू डाले हैं। इसमें आप चाहे तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं। ये मिक्स हो गया है। इसमें हम सूजी डाले हैं तो इसीलिए इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख दे रहे हैं, क्योंकि सूजी फूल जाएगा, इसीलिए हम इसको रख दे रहे हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। देखिए ये सूजी अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम ये मैदा लिए हैं, 2-3 चम्मच मैदा लिए हैं। इसमें पानी डाल के इसका घोल बना लेते हैं, पतला सा घोल बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप, पतला गोल हम बना लिए हैं। अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम ये, मेरे पास बचा हुआ ब्रेड था, ये हम ब्रेड लिए हैं, इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये हम ब्रेड पीस लिए हैं, अब इसको भी यहाँ रखते हैं। अब हम हाथ में हल्का सा तेल लगाएंगे।
तेल लगा के इसका टिक्की बनाएंगे। कटलेट बनाना है तो इसको ऐसे हम बना लेते हैं। ये देखिए, आपको जो भी शेप मन हो वो आप डाल सकते हैं। हम इस तरह से बना रहे हैं। इसी तरह से हम बना के रख लेते हैं। ये घर में थोड़ा थोड़ा सारा चीज बच जाता है तो होता है, अब इसका हम क्या करें। तो आप ये बना लीजिए कैटलेट, चावल का कैटलेट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। कटलेट बनके तैयार है, हम सारे बना लिए हैं। अब हम इसको तेल गरम होने रख दिए थे, तेल गरम हो गया है। अब हम एक कटलेट लेंगे और ये जो मैदा का हम घोल बनाया है इसमें इसको ऐसे डुबो देंगे, देख सकते हैं आप। अब ये जो ब्रेड का हम पीसे थे उस पर ब्रेड, इस पर हम ऐसे लगा देते हैं। ये करने के बाद तेल में हम इसको फ्राई कर लेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप फ्राई कर लें। आप अगर फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे हल्का हल्का तेल दे के सेक भी सकते हैं। एक बार में आपको जितना आए उतना आप डाल दीजिए। एक मिनट तक आप इसे सेकने दें, उसके बाद आप इसे दूसरे साइड से सेकिएगा, उल्टाइएगा। अगर आप इसे पहले कर दीजिएगा तो ये टूटने का है, अभी देखिए नहीं हुआ है, इसलिए आप एक मिनट तक इसे पकने दें, उसके बाद इसको उल्टाएंगे, दूसरे साइड से सेकेंगे। एक मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। हो गया है, इसको हम दूसरे साइड से भी सेक लेते हैं। इसे आप फुल फ्लेम पे ही कर सकते हैं क्योंकि चावल तो पका हुआ ही है, तो ये नहीं है हाँ चावल कच्चा रहता नहीं है तो इसको टाइम लगेगा। मीडियम पे पकाना इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप फुल फ्लेम पे पका सकते हैं। आलू जो हम डाले हैं वो भी कद्दूकस किया हुआ है तो वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। कटलेट हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब दूसरे साइड से भी हम सेक लेते हैं, दूसरे साइड से भी चेक कर लेते हैं। एक मिनट हो गया है, अब देख सकते हैं दूसरे साइड से भी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी जो बना है उन सबको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कटलेट बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कटलेट बना है, बहुत ही अच्छा कटलेट लगता है खाने में। इस तरह से आप कटलेट बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। हम इमली के चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं, आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आपको जो भी चटनी पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हैं। आप इस तरह से कटलेट जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।